नमस्कार दोस्तों, और आज सब लोग का फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के एमपीपीएससी प्री की जो हमने क्रैश कोर्स चला रहे हैं, क्रैश को जो सीरीज चल रही है उसमें आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज इकोनॉमिक्स को लेकर के आज मैं एक दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसको अगर अपन देखेंगे तो एक्चुअल में इसमें से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर साल पूछा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज मैं आप लोग को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में आज पढ़ाऊंगा, और इससे रिलेटेड आज हम लोग MCQ भी करेंगे, ठीक है? ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो वर्तमान में प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक, और इसमें हमने क्या क्या इसमें बाद में संशोधन किया, सारी चीजों को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। मगर पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना है मुझे, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो मैं टॉपिक उठाया हूँ, ठीक, और जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इसमें से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम करेंट लेवल का क्वेश्चन यहां से ज्यादा आएगा, ठीक है? जैसे आपको पूछ सकता है ये विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे आपको पूछ देगा कि कौन से सेक्टर में कितना FDI किया गया है, कौन सा कंपनी, कौन सा विदेशी, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो भारत में सबसे अधिक निवेश करता है, या भारत किससे सबसे अधिक विदेशी व्यापार का संबंध है भारत का, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। क्योंकि एट द प्रेजेंट अपन क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो ये ज्यादा डीप नहीं है, ये सामान्यतः ऊपर क्वेश्चन को पूछता है, और मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसको फटाक से शुरू करता हूं मैं और आप लोग को इसको पढ़ाता हूं। सुनिए, इसको सुनना ज्यादा, इसको समझना है, और ये थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है, इसको ज्यादा समझने वाला पोर्शन नहीं है ये, तो इसको याद करने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्लियर? और जैसा जैसा बताते जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा, ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिर से, और नाम तो मेरा पता ही होगा, फिर से बता देता हूं, दिनेश पांडे, ठीक है? तो चलिए कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर MPPSC के क्रैश कोर्स सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं, और इस क्रैश कोर्स सीरीज का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, और इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या इसी को बोला जाएगा विदेशी निवेश, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार से। तो सबसे पहले विदेशी व्यापार या निवेश, या उसी को बोल दिया जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, किसको बोला जाता है, ठीक है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसको बोलेंगे, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसको बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो होता है कि कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी नागरिक भारत में कुछ पैसा निवेश करे या इन्वेस्टमेंट करे, मगर वो कितना पैसा, तो एक अमाउंट निश्चित है, एक परसेंटेज निश्चित है, एक कैटेगरी निश्चित है। अगर वो उतना अमाउंट या उतना परसेंटेज निवेश कर रहा है तो ही वो क्या कहलाता है आपका, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो कोई विदेशी नागरिक या कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी कंपनी कुल इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है या करता है तो वही कहलाता है आपका FDI। कितना परसेंट उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 10% या उससे ज्यादा या अबो, इससे ज्यादा अगर करता है तो ही क्या कहलाता है, वो FDI कहलाता है। तो देखो यहां से क्वेश्चन यही बनता है, या तो वो आपको सेक्टर पूछेगा कि किस सेक्टर में कितना परसेंट FDI है, ठीक, या तो फिर आपको पूछ देगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, वर्तमान में कितना है, मतलब अरबों में डॉलर में पूछ देगा आपको ये। तो ये से इससे यही से ये सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहां से, ये ज्यादा डीप नहीं जाएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ ये टॉपिक में है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, क्लियर? तो विदेशी निवेश समझ में आया कि 10% या उससे ज्यादा निवेश कहलाता है, कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति उसको निवेश करता है तो क्या कहलाता है, FDI। इसी में आपका क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। तो भारत में विदेशी व्यापार कौन कौन सा इंपोर्ट होता है, कौन कौन सा एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट में आपका आ जाएगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, हैवी मशीन, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड एंड केमिकल्स, ये हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। निर्यात में क्या आ जाएगा आपका, एक्सपोर्ट में क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग वस्तुएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी,
ठीक, तो इतनी वस्तुओं को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उतनी वस्तुओं को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि कितना क्या इंपोर्ट किया जाता है क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक, ये कभी नहीं आया आज तक और ना कभी आएगा, मगर आपको जानना जरूरी है ये, ठीक है। और दूसरा फिर आपका विदेशी निवेश को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर क्या किया गया, नियम कानून बनाया गया। तो यहां पर एक है आपका विदेशी विनिमय का प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, कि कैसे मैनेजमेंट किया गया, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं विदेशी निवेश को या विदेशी पैसों को। इसी में एक वर्ड यूज होता है फॉरेन लोन या विदेशी ऋण। विदेशी ऋण क्या होता है, विदेशी ऋण ये होता है कि भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी कंपनी से, मतलब विदेशी संस्था से, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब से क्या लेना, लोन लेना, तो ये क्या कहलाएगा आपका फॉरेन ऋण, या किसी कंपनी के द्वारा भारत में या भारत द्वारा किसी कंपनी से ऋण लेना, ये क्या कहलाता है विदेशी लोन या विदेशी ऋण कहलाता है। मगर इसका भी एक टाइम पीरियड निश्चित होता है, या तो ये शॉर्ट टाइम होगा और या तो ये लॉन्ग टाइम होगा। क्लियर, ठीक, तो विदेशी ऋण ये भी एक विदेशी निवेश का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। क्लियर, जो कहां होगा, इंडिया में होगा। तो खाली पैसे को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं, अगर फॉरेन लोन है तो वो भी आपका किसमें इंक्लूड हो जाता है, विदेशी निवेश में या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उसको भी इंक्लूड किया जाता है। क्लियर, ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट। इसके बाद इसके लिए संबंधित कानून, तो भारत में विदेशियों को लेकर के, जैसे मैंने आपको औद्योगिक नीति में बताया था कि 1948 में, कब 1948 में क्या किया गया था कि भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी, ठीक। इस औद्योगिक नीति में हमने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया, मगर वो ज्यादा कंट्रोल में किसके था, इंडियन के था। फिर 1956 में फिर सेकंड क्या आई आपकी, इंडस्ट्री पॉलिसी आई, इसमें भी हमने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा मोटिवेट किया, मगर फिर भी यहां पर वो कंट्रोल में किसके था, इंडियन के था। 1991 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, वैश्वीकरण शुरू किया, तब यहां पर हमने क्या लाया, ओपन मार्केट, या इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट, और यहां से हमने वास्तविक रूप से FDI की शुरुआत की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहां पर बहुत ही क्या किया गया, सरल और नियम, सरल कानून बनाए गए, और यहां पर यहीं से भारत में विदेशी निवेश बहुत तेजी से लगातार से बढ़ने लग गया, क्योंकि हमने सबके लिए मार्केट क्या कर दिया था, खुला छोड़ दिया था, ओपन कर दिया था कि आओ और निवेश करो, पैसा कमाओ, खुद भी कमाओ और हमको भी कमाने दो। तो यहीं से मेन रूप से शुरू होता है हमारा FDI 1991 से, बट 1991 से पहले भी विदेशी निवेश के लिए भारत में समय समय पर क्या बनने लग गए, कानून बनाने लग गए। इन्हीं में से एक कानून है आपका कौन सा, विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कानून। तो कौन सा था, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून, जिसको बोला जाता है फेरा, क्या बोला जाता है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पूरा नाम क्या है, एफ से फॉरेन, ई से एक्सचेंज, आर से रेगुलेशन, ए से एक्ट। इसको लाया गया था 1973 में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। बट इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में विदेशी मुद्रा को, जितने भी भारत में विदेशी करेंसी आ रहा है उसको संरक्षित करना, ठीक, और भारत में क्या करना, विदेशी निवेश के लिए आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उनके लिए नियम कानून बनाना, यह इसका क्या था, काम था। मगर यह कानून जो था बहुत हार्ड था, इसके लिए प्रोसेस बहुत हार्ड थे, तो बाद में क्या किया गया कि फेरा को चेंज किया गया, और फेरा को चेंज करके लाया गया फेमा, FEMA, ठीक, क्या लाया गया, फेमा लाया गया। फेमा था आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, वो FERA था और ये FEMA है, ये आया आपका 1973 में, याद रखना, डेट कभी पूछ सकता है, ठीक है ना, या तो उसका पूरा नाम पूछ सकता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, ओके। और ये आया फेमा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एम आ गया आर की जगह क्या आ गया, एम आ गया, बाकी FEA और FEA रहा।
आर की जगह क्या इंक्लूड हो गया, रेगुलेशन की जगह क्या इंक्लूड हो गया, मैनेजमेंट इंक्लूड हो गया, बस यही अंतर था। तो वो आया 1773 में, इसे 1988 में लाया गया, बट 2000 से फेमा क्या हो गया, लागू हो गया। और ये ऐसा था कि फेरा से ये थोड़ा सा जस्ट अपोजिट था। अपोजिट ये था कि इसके लिए जो ना कानून थे फॉर विदेशी निवेश के लिए जो कानून थे बहुत स्ट्रांग थे, तो फेमा में क्या किया गया, उस कानून को क्या किया गया, सरल किया गया। जैसे 1956 में जब दूसरी औद्योगिक नीति आई थी तो हमने लाइसेंस देना शुरू किया था, मगर वो लाइसेंस प्रोसेस बहुत हार्ड था, बहुत जटिल था, तो हमने क्या किया कि उस लाइसेंस की पद्धति को क्या किया गया, सरल किया हमने। और सरल करने के साथ फिर हमने क्या किया, 1991 में उदारीकरण की नीति आई, नीति लेकर के है, लिबरलाइजेशन लेकर के है। तो उदारीकरण की नीति के तहत जैसे लाइसेंस पद्धति को समाप्त किए, उसके प्रोसेस को सरल किए, वैसे ही फेरा की जगह लाया गया फेमा। फेरा जो था वो भी विदेशी निवेश को कंट्रोल करने के लिए था और फेमा भी उसी के लिए था, बट दोनों में डिफरेंस बस ये था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून था, उसके लिए प्रोसेस बहुत लंबे थे, मगर फेमा के लिए प्रोसेस बहुत शॉर्ट थे। और 1773 में आपका फेरा आया और 2000 में लाया गया फेमा। दोनों में अंतर सिर्फ इस बात का है कि वो रेगुलेशन था और ये मैनेजमेंट है। एफ ई आर ए फेरा, एफ ई एम ए फेमा, ठीक ओके। तो आर की जगह एम इंक्लूड हो गया। अंतर 1773 2000, हार्ड प्रोसेस था इसका, सॉफ्ट किया गया, बाकी काम वही था, काम वही था, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका विदेशी निवेश को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो या तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरा कब लागू हुआ, ठीक, और या तो पूछ सकता है फेमा कब लागू हुआ। अगर हम एक दो साल का या दो तीन साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं किसका, एमपीपीएससी का, ठीक, तो यहां से एकदम कम क्वेश्चन, क्लियर, और वो भी ज्यादा डीप नहीं गया है, एकदम ऊपरी लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्यादा डीप नहीं गया है, तो उतना जानने की अभी इसको जरूरत भी नहीं है। उतना ही जानना है कि यहां से अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए, इतना ही समझ में आना चाहिए। पीएचडी नहीं करना, याद रखो, ज्ञानी नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट पे, ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, उतना ही जानना है, उतना ही पढ़ना है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन मुझसे बनना चाहिए, बस इतना जान करके पढ़ाई करना है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो फेरा और फेमा समझ में आया, ठीक। मेन पार्ट है इसका क्या चीज, मेन पार्ट है आपका कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से क्या बन जाएगा आपका, कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के, किसको लेकर के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहीं से पूछता है कि भारत में किस किस सेक्टर में कितना कितना परसेंट एफडीआई है, ठीक। तो एफडीआई क्या होता है, मैं आपको बताया कि अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति 10% या उससे ज्यादा निवेश करता है तो ही वो क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और भारत में एफडीआई के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है कौन, आरबीआई, कौन बनाती है, आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को भी कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, क्लियर। मेन यहां से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि किस किस सेक्टर में कितना कितना एफडीआई है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपका एक आ जाएगा आपका रक्षा क्षेत्र, ठीक, रक्षा क्षेत्र। दूसरा आपका बीमा इंश्योरेंस, ठीक। तीसरा आपका आ जाएगा प्राइवेट निजी बैंक, ठीक। फिर सरकारी बैंक, फिर पेट्रोलियम, दूरसंचार, ठीक, दूर संचार। फिर यहां पर लिख दे रहा हूं मल्टी ब्रांड, सुनते चलो सिंगल ब्रांड, ठीक ओके। फिर यहां पर लिख दे रहा हूं जहाज रानी, क्लियर ओके। तो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, निजी बैंक में एफडीआई, ठीक, सरकारी बैंक में एफडीआई,
फिर उसके बाद पेट्रोलियम, दूरसंचार, उसके बाद आपका मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड, जहाज रानी, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें एफडीआई कितना कितना परसेंट है। तो रक्षा क्षेत्र में आपका कितना परसेंट एफडीआई है? 49%। लिखते चलो या याद करते चलो, यहीं से क्वेश्चन आना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इसमें, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में 49%। इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में 2021 के बजट में क्या किया गया कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ा दिया गया। 2021 से पहले एफडीआई था आपका बीमा में 49%। 2021 के बजट में क्या किया गया कि एफडीआई में, मतलब इंश्योरेंस की, रीइंश्योरेंस में एफडीआई के परसेंट को बढ़ा दिया गया। तो एट द प्रेजेंट क्या है भारत में बीमा सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई है? 74%। ये 2021 से लागू है, 2021 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। तो रक्षा क्षेत्र में 49, बीमा क्षेत्र में 74%, ठीक। उसके बाद निजी बैंक में, निजी बैंक मतलब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपका 49%, सरकारी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में 26%, ठीक। उसके बाद पेट्रोलियम, दूरसंचार, जहाज रानी, ठीक, ये तीनों में 100%, ठीक, पेट्रोलियम में 100%, क्रूड ऑयल में, दूरसंचार में, और उसके बाद आपका जहाजरानी मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन में, ठीक है, क्या चीज 100%। एयरलाइंस, एयरलाइंस में भी 100% एफडीआई, एयरलाइंस में भी 100% क्या आ जाएगा आपका एफडीआई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बन गया एक सिंगल ब्रांड और एक मल्टी ब्रांड। सिंगल ब्रांड कहने का मतलब किसी का एक सिंगल ब्रांड होता है, जैसे रिलायंस एक ब्रांड है, सिंगल ब्रांड है, वो जो बनाएगा जियो, तो सिंगल ब्रांड हो गया। तो इसमें एफडीआई है आपका 49%। अब मल्टी ब्रांड कहने का मतलब वो शॉपिंग मॉल वाल हो जाते हैं जो, ये आपका हो जाएगा 51%, क्लियर। तो रक्षा क्षेत्र में 49%, उसके बाद बीमा क्षेत्र में 74%, निजी बैंक में 49%, सरकारी बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में मतलब नेशनलाइज बैंक में 26%, उसके बाद आपका आ जाएगा जहाज रानी, पेट्रोलियम, एयरलाइंस, ठीक, इसमें आ जाए, और दूरसंचार, इसमें आ जाएगा 100% एफडीआई, सिंगल ब्रांड में आपका 49 और मल्टी ब्रांड में 51% एफडीआई। ये 2022 का डाटा, ठीक है, 2022 का डाटा बता रहा हूं। सिर्फ 2021 में एक ही काम किया गया कि जो बीमा सेक्टर में एफडीआई थे उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया गया, और वो 49 से हो गया 74%, ठीक। सिर्फ यही चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो अभी जो डाटा बताया मैं आपको, ये किसका था? 2022 का था, क्लियर। एक बार फिर रिपीट कर ले रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बनना है, याद रखिएगा। अगर ये विदेशी निवेश से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो बीमा क्षेत्र में, मतलब रक्षा क्षेत्र में 49, बीमा क्षेत्र में आपका 74%, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्राइवेट बैंक में 49%, नेशनलाइज बैंक में 26%, जहाज रानी, पेट्रोलियम, दूरसंचार, एयरलाइंस, इसमें 100%, सिंगल ब्रांड में 49% एफडीआई, एंड मल्टी ब्रांड में कितना? 51% एफडीआई, ठीक है। 2022 के बजट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 648 अरब मिलियन डॉलर था, ठीक है, 648 मिलियन अरब डॉलर था भारत का एफडीआई, विदेशी मुद्रा भंडार 648, ठीक है, कितना था? 648 मिलियन अरब, ठीक है ना, ओके, क्लियर, 648 अरब मिलियन बोल रहा हूं, सॉरी 648 अरब डॉलर भारत का क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार था, क्लियर, ठीक। यही से क्वेश्चन है, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक, ओके। तो ये याद हो गया सेक्टर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है किसमें, कि भारत में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा निवेश, मतलब कौन सा विदेशी सबसे ज्यादा निवेश करता है, या कौन पहले नंबर पर है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश है आपका कौन सा? मॉरिशस, ठीक, और उसके बाद सिंगापुर। ये दोनों हमेशा चेंज होते रहते हैं। पिछले साल आपका सिंगापुर था, मॉरिशस सेकंड नंबर पे था, इस साल आपका मॉरिशस है, अब कौन सेकंड नंबर पर है? सिंगापुर सेकंड नंबर पर है, ठीक है।
क्लियर। तो इस साल सबसे अधिक एफडीआई करने वाला कौन सा है? पहला नंबर पर मॉरिशस, दूसरा सिंगापुर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भारत में क्या करते हैं, ये एफडीआई करते हैं। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन आपका कभी नहीं आया इकोनॉमिक्स में और ना कभी जाएगा, खासकर प्री लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वैसे भी प्री लेवल पर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फोकस है आपके बजट पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन सबसे अधिक इकोनॉमिक्स में आता है करेंट अफेयर से, मतलब करंट अफेयर के टॉपिक से आता है, और करंट अफेयर का टॉपिक आपका हो जाता है बजट। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी बताऊंगा मैं आपको, क्लियर। मगर उससे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूं उसको भी क्या करते चलो, देखते चलो, ठीक। इससे ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है किसमें, इकोनॉमिक्स में, क्लियर, ठीक ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपको एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ये एफडीआई जो पढ़ाया हूँ, विदेशी निवेश, इसके मैं एमसीक्यू बताऊंगा। मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते भी नहीं है, मैं बताया आपको पहले भी, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू के, उसको आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ बहुत इजी वे में समझाते हुए, बहुत इजी वे में इसको कंप्लीट करते हुए आऊंगा, ताकि आपसे क्या हो सके, क्वेश्चन बन सके, ठीक। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपको पूछना है, कुछ डाउट हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, क्लियर, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, और फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो चीज पसंद आ रहा है, और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आपसे जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड नमस्कार, जय हिंद।